नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे कल का दिन आज भी रिपीट हुआ है। कल निफ्टी 132 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था और आज 133 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह पहला अपडेट ले लेते हैं मार्केट की तरफ से, जहां पे कि निफ्टी में जबरदस्त रैली देखी गई है। यहाँ पे मार्केट में कल 132 पॉइंट चढ़ के भागा था और आज करीब 133 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी करीब यहाँ पे 481 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे क्लोजिंग आई है सेंसेक्स की। बट हालांकि देखने की चीज ये है कि मिड कैप में तेजी तो हुई थी, बट एंड में मिड कैप में थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा गया था। अब देखना पड़ेगा कि ये तेजी और कितने दिन तक रहती है, क्या ये सस्टेन करेगी या दोबारा से मार्केट में फॉल आने के चांसेस बनेंगे। अब एक दो दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट है थोड़ा सा डाइल्यूट होने के चांसेस बने रहेंगे। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करो तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल सबसे बड़ा गेनर रहा, उसके बाद इंडसइंड बैंक, उसके बाद आईसीआईसी बैंक। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूँ तो यहाँ पे आई मोटर सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद बजाज फाइनेंस, उसके बाद भारतीय इंफ्राटेल। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे HDFC लाइफ की तरफ से, जहाँ पे आज से इनका OFS खुल गया है और करीब 21% सब्सक्राइब हो गया था OFS। बट इस OFS के चक्कर में स्टॉक में करीब 5% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 5% का उछाल देखा गया था यहाँ पे। और जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल प्लान कर रहा है अपना भारतीय इंफ्राटेल का जो स्टेक है उसको थोड़ा सा और डाइल्यूट करके अपना जो डेट है उसको कम करने का प्लान हो रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पे भारतीय एयरटेल के स्टॉक में करीब 6% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 3% का उछाल दिखाया गया था। रीजन आ रहा है कि यहाँ पे NHAI से इनको दो प्रोजेक्ट के लिए मिल गया है LOA यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये जो प्रोजेक्ट है इनकी जो टोटल कॉस्टिंग आ रही है वो करीब आ रही है यहाँ पे 2923 करोड़ की। तो काफी बड़ा अमाउंट है और बहुत ही जल्द ये अमाउंट रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% का उछाल दिखा गया था अदानी इंटरप्राइजेस के। अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पे की बैंक ऑफ इंडिया ने 660 करोड़ रुपया यहाँ पे उठाया है और यहाँ पे स्टेक सेल किया है अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय के जरिए ये पैसा मार्केट उठाया गया है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जेट एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे नरेश गोयल ने स्टेटमेंट दिया है और रिक्वेस्ट करी है यहाँ पे एथियाट के CEO से कि वो जल्दी से थोड़ा सा पैसा जेट एयरवेज को दे सके, ताकि जो प्रॉब्लम है उसके चलते यहाँ पे जेट एयरवेज ग्राउंडेड ना हो जाए। तो ये जो रिक्वेस्ट करी गई है इसके अगेंस्ट जो पैसा आएगा वो करीब 750 करोड़ के आसपास का आएगा। इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे GMDC की तरफ से, जहाँ पे एडलवाइस ने यहाँ पे इनिशिएट किया है अपनी कवरेज और बाय रेटिंग दी है करीब 22% के अपसाइड के यहाँ पे टारगेट देखे जा रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब सुबह सुबह 10% का उछाल देखा गया था, बाद में जो क्लोजिंग आई है वो करीब 6% ऊपर की आई है। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे लॉरस लैब की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में सुबह सुबह 2% का उछाल देखा गया था और इनको अप्रूवल मिल गया है USFDA से मलेरिया के दवाई का। तो काफी पॉजिटिव है ये, और मलेरिया के ड्रग काफी, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि मलेरिया काफी तेजी से स्प्रेड होता है, तो काफी अच्छा अप्रूवल इनको मिला है, इसी के चलते स्टॉक में 2% की उछाल देखी गई थी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे KEC इंटरनेशनल की तरफ से, जहाँ पे इनको स्टॉक में करीब 4% का उछाल देखा गया था। और रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है करीब इनको ऑर्डर मिल गया है, 1323 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है इनको। तो इसी के चलते स्टॉक में देखा गया था 4% का उछाल। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे DRF की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 6% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। और जो रीजन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे कि DLF प्रोमोटर ने यहाँ पे प्लान किया अपने डेट को कम करने के लिए, और यहाँ पे स्टेटमेंट भी आया DLF की तरफ से कि ईच एंड एवरी क्वार्टर में करीब ये 650 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा और ये इम्प्रूवमेंट करते हैं और अपने डेट को थोड़ा सा कम करते हैं तो काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है DLF के स्टॉक में। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे कैडिला हेल्थ केयर की तरफ से, जहाँ पे USFDA से इनको अप्रूवल मिल गया है हाई ब्लड प्रेशर की दवाई का। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे डीप इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहाँ पे ONGC से इनको मिल गया है काफी बड़ा ऑर्डर, और इस ऑर्डर की जो कीमत देखी जा रही है वो करीब यहाँ पे देखी जा रही है ऑलमोस्ट 91 करोड़ की। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 10% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।